वेलकम बैक नाजीन। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हैं। ये पार्टी चेयरमैन के प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं जब लीगल मामलात होते हैं, जो कानूनी मामलात और केसेस को भी, जो अहम केसेस हैं उनको यही हैंडल करते हैं। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा, सबसे पहले अगर हम शुरू करें इस बच्चे के हवाले से, जो बहुत ही ट्रेजेडी, इससे बड़ी क्या हो सकती है किसी के लिए कि उसका बच्चा मारा जाए, तो ये जो अली बिलाल की मौत वाकई हुई है, उस हवाले से अभी आपकी पार्टी ने ये डिमांड कर दिया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन साथ ही आईजी पुलिस जो हैं उन्होंने कहा कि जी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, और उन्होंने कहा हमारे पास एविडेंस है, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं उनको इन्फॉर्म किया था जो ओनर हैं गाड़ी के, राजा शकील ने, 8 की शाम को, के जो बच्चा है पीटीआई का, वो अली बिलाल, वो मारा गया है कार के एक्सीडेंट से। और फिर उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने कहा आप दूसरे दिन आए और आप इमरान खान साहब से मिलिए आके, और वो उनको मिलने गए। अच्छा, और इमरान खान साहब को बताया ये। अब ये कह रही है पंजाब की पुलिस, ये पंजाब की कहते हैं गवर्नमेंट के जो ऑफिशल्स हैं वो कह रहे हैं जी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है एक्सीडेंट वगैरह की। तो ये क्या ज़्यादा पेचीदगी नहीं पैदा हो रही कि वो कह रहे हैं कि जी इनके ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज मेरे ख्याल उन्होंने करवा दिया है। आपकी तरफ से कहा गया कि जी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को नामज़द करें इसमें FIR में, और मामला जो इस वक्त बज़ाहिर जो कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है जी हमारे पास एविडेंस भी है, तो वो एक एक्सीडेंट हुआ है, तो व्हाट विल यू से टू दैट? आप एडवाइस क्या करेंगे अपनी पार्टी की लीडरशिप को? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इसको मेरा ख्याल है हर जो भी एक सिटीजन है पाकिस्तान का, उसको कंडेम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल फोरम से हो। अब जो मसला है, मेन आपको बताऊं, इशू ये है कि ये एक पुलिस कस्टडी में एक डेथ या टॉर्चर का मामला है, और ये इसलिए एक इंसानी हकूक का इशू है। जब इंसानी हकूक का इशू और इस तरह की जब मामलात हों, तो हमेशा ये देखा गया है कि जो हुकूमत वक्त होती है, चाहे वो केयर टेकर क्यों ना हो या पुलिस जो स्टेट होती है, वो हमेशा कोशिश करती है कि जब उनसे ये गलती हो जाए या उनसे ये इस किस्म का कत्ल हो जाए कि किसी कैसे टॉर्चर कर रहे हैं और वो उसकी मौत हो जाए, और उसको कवर अप करने के लिए फिर वो हर किस्म की कहानी सामने पेश करते हैं। जबकि जो विक्टिम हैं वो चूंकि उनके पास ताकत नहीं होती, वो हुकूमत में नहीं होते, तो उनका जो बयानिया है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। और इस किस्म की सिचुएशन में जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं और जो हमारा भी कानून है और हमारी जो बुनियादी हकूक आइन में दर्ज हैं, उसके मुताबिक इस किस्म की सिचुएशन में हमेशा एक इंडिपेंडेंट आज़ाद इंक्वायरी होनी पड़ती है। आपको याद है मॉडल टाउन का इंसिडेंट हुआ था, उसकी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट के जज साहब की कमीशन बिठाई गई थी, जिसके बाद फिर सारी FIRs वगैरह हुई और मामला आगे चले। अच्छा अली जफर साहब, थोड़ा सा अगर आप सही फरमा रहे हैं ये जो आपने कहा, अगर मैं इस पर आपको ले चलूं कि ये जो आज टेक्नोलॉजी जो है उसकी मदद से, अगर ये कह रहे हैं कि जी सीसीटीवी फुटेज है, हमारे पास तमाम एविडेंस है, और फिर अगर कह रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से बात हुई है, उनके जो गाड़ी के ओनर हैं उन्होंने ये कहा, और अभी तो आप ईंट उठाएं तो नीचे से ऑडियो मिल जाती है रिकॉर्डेड, खुदा जाने के कौन इस वक्त फरिश्ते रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सीसीटीवी फुटेज तो लेजिटिमेट और लीगल है ना, उसका वो भी एज एविडेंस पेश किया जा सकता है, या आप कहेंगे कि आप सब चीज़ों को रद्द करके कहेंगे कि कस्टोडियल किलिंग है? क्योंकि IG पुलिस ये फरमा रहे हैं कि जी 4:30 बजे या कुछ ट्रक से बच्चों को उतार दिया गया, उन्होंने कहा जी हमने उतरना है, तो ये उनकी बात ये है। तो इसको आप बहसियत एक लॉयर के लीगली आप क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से? और ऑब्वियसली अ पार्टी लीडर जिसको इसका भी ख्याल है, इदराक है कि भाई बच्चा मारा गया तो उसका पता तो चलना चाहिए, और वो फिर आप ये जो सिचुएशन जो आज सुबह से डेवलप हुई है उस पर आप क्या करेंगे, व्हाट वुड योर एडवाइस बी? देखिए, माय एडवाइस एक वकील की हैसियत से सबसे पहले आती है, क्योंकि कानून का पता है और कानून में क्या हो सकता है
ख्वाहिशात अपनी जगह अलग होती है, लेकिन क्या होना चाहिए कानून में और क्या हो सकता है वो उसका थोड़ा बहुत इल्म होता है। तो एक वकील के हैसियत से मेरा ख्याल है मेरा जवाब सबसे पहले आना चाहिए, और वो ये है कि एविडेंस जो भी है जी साइड के पास भी है, उस एविडेंस को अगर उस पे यकीन करना है तो कोई इंडिपेंडेंट कमीशन ही उसको ठीक प्रोब के फैसला कर सकती है। अगर ठीक पुलिस की अपनी वर्जन रखें तो मैंने मॉडल टाउन को बिल्कुल केस, मैं वही केस मैं भी कर रहा हूं, और उस केस में मैंने देखा है कि वो पुलिस अपनी साइड की वर्जन, हालांकि हम सब ने देखा था कि मॉडल टाउन में क्या हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, वीडियोस उसकी मौजूद थी, पूरी हर टीवी स्क्रीन पे नजर आया था, लेकिन फिर भी जिस तरह उसको तोड़ मोड़ के पुलिस ने अपनी वर्जन भेजी वो अभी तक केस चल रहा है। तो इसलिए जरूरी ये है कि जो भी वर्जन, हो सकता है पुलिस दुरुस्त कह रही हो या जो जी गवर्नमेंट का मौकफ है दुरुस्त हो, लेकिन हो सकता है कि जो हमारा मौकफ है वो भी दुरुस्त हो, ठीक उसको देखने के लिए जो भी फोरेंसिक अवेलेबल है, जो भी सीसीटीवीज अवेलेबल है, जो भी एविडेंस और शहादत अवेलेबल है, बिल्कुल उसको एक इंडिपेंडेंट कमीशन के सामने पेश होना चाहिए, ताकि वो उसको प्रोब करने के बाद एक चीज सामने ला सके वाजे तौर पे कि क्या वाकई ही एक कस्टोडियल टॉर्चर था और उसकी वजह से ये मौत वाकया हुई या क्या एक्सीडेंट था, जिस तरह ठीक हुकूमत पेश कर रही ठीक है। है। तो ये बताइए कि व्हाट वुड नेक्स्ट स्टेप बी, आप ये किसको कहेंगे कि जी जुडिशियल कमीशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए? क्या आप ये हाई कोर्ट से कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, किससे कहेंगे या गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे? जी देखें, सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, अगर वो वाकई ही उनकी उनके पास ये सारी चीजें हैं और एविडेंस है, तो सबसे पहले तो ये जो कमीशन है ये उनको खुद अपॉइंट करनी चाहिए। अगर वो कमीशन अपॉइंट नहीं करते तो फिर हमारे पास एक कानूनी हक है कि हम हाई कोर्ट, जो रेलेवेंट हाई कोर्ट है इस केस में, क्योंकि वाकया लाहौर में हुआ तो रेलेवेंट हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट है, हम उसमें पिटिशन फाइल करें और मजबूर करें हुकूमत को कि वो इस सिचुएशन में एक जुडिशियल कमीशन अपॉइंट करें। आपको पता है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटीज भी हमने पाकिस्तान ने साइन की हुई है, बकायदा उन पे मुआहदे किए हुए हैं, जिसके अंदर ये इस किस्म का अगर वाकया हो तो उसका एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद प्रोब होना पड़ता है, ठीक और हम ये कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, और ठीक सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। जी। मैं फिर लाइक सबसे पहले तो आई गेस डोमेस्टिक कम्युनिटी, डोमेस्टिक पब्लिक जो है वो बड़ी अहम है, और उस हवाले से आप कह रहे। तो जो आज सुबह आईजी साहब ने जो एविडेंस लेके आए सामने, सीसीटीवी फुटेज, आप कह रहे हैं आप की पार्टी को उस पर आप इक्तफा नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि कमीशन बनानी चाहिए कि इंक्वायरी हो? जी देखिए, वो वर्जन मैं जिस तरह आपको बता रहा था, जी जी आपको याद ठीक टाउन वाला जो केस, वो तो हर इंडिपेंडेंट चैनल ने उसकी वीडियोस बनाई हुई है किस तरह पुलिस शूटिंग हो रही थी, लेकिन जिस बच्चों तरह वो प्रेजेंट किया गया है अदालत में, वो लगता ये है कि वो पुलिस इनोसेंट है, पुलिस बिल्कुल खड़ी थी किसी एम्युनिशन के बगैर, किसी गन्स के बगैर, और दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही थी। तो ठीक ये तोड़ फोड़ के वीडियोज देना या सीसीटीवी को सिलेक्टिव तौर पर डालना, ये पॉसिबल है कि किया हो हुकूमत ने, हो सकता है जेन्युइन हो, लेकिन ये आप रूल आउट नहीं कर सकते कि सारा फैब्रिकेट करके उसको प्रेजेंट किया हो। इसलिए इंडिपेंडेंट और आज़ाद जब एक प्रोब हो जाएगा और वो इसको साबित कर देंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट की वर्जन ठीक है, तो फिर देन वो फिर सिचुएशन मुख्तलिफ है, तो लेकिन साबित आप लोग हो इंतज़ार करेंगे कि आपके गवर्नमेंट सेटअप करे? गवर्नमेंट ने तो बड़ी क्लियरली कह दिया कि ये तमाम एविडेंस है हमारे पास, बस यू नो दिस इज़ इनफ। से आपसे मैं बात पूछूं, आपको माशाल्लाह एक तो मुबारक हो, आपको एक बड़ा अवार्ड भी मिला है एज ए जर्नलिस्ट, और रिकग्निशन मिली है जो मिलनी चाहिए थी, और आपको, आप तो जानती हैं कि सबसे पहले देखी जाती है इस किस्म की सिचुएशन में कि क्या मेडिकल रिपोर्ट क्या है, और अगर मेडिकल रिपोर्ट में एक्सीडेंट नजर आ रहा है तो फिर उनकी कोलेबोरेशन हो जाती है कि वाकई शायद हुकूमत का जो मौकफ है दुरुस्त हो। लेकिन 26 इंजरीज और जो डिस्क्राइब की गई है इंजरीज और जो मैंने टीवी पे देखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें वो इंजरीज तो लिटरली टॉर्चर इंजरीज लगती हैं, वो एक्सीडेंट इंजरीज नहीं लगती। एक्सीडेंट जब होता है खुदा न खास्ता तो एक मेजर इंजरी होती है, और उसके बाद आपको ठीक यानी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आपको
टॉर्चर के निशानात नहीं नजर आते। ठीक तो उन ये जी मेडिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट की वर्जन को सपोर्ट नहीं करती मेरी नजर में, जी मेडिकल तो रिपोर्ट ठीक टॉर्चर को की वर्जन को सपोर्ट करती है। जी अच्छा उस पे भी आईजी साहब ने कहा था कि जी जख्म लगे हैं कोई और इस तरह टॉर्चर का नहीं पता, लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का मौकफ ये है कि जुडिशियल कमीशन बनाई जाए। नाजिन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे फिर इलेक्शंस के हवाले से, वो भी जो सवाल है अली जफर साहब भी अपनी पार्टी के लिए उसको हैंडल करें, कोर्ट में ये मामला लेके गए थे, और जहां तक इस बच्चे का ताल्लुक है अली बिलाल का, तो ये तो आप सुन रहे हैं कि पीटीआई का इस वक्त मौकफ ये है कि वो जुडिशियल कमीशन ही का कहेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजीन, जिसका डर था वही होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कोई 3 4 रोज में 2 मीटिंग्स हुई हैं, 2 3 एक्चुअली मीटिंग्स हुई हैं। एक तो पहले इलेक्शन कमीशन को जो हसास इदारे हैं और मुख्तलिफ सिक्योरिटी रिलेटेड जो हैं इदारे, उन्होंने कुछ रोज पहले इलेक्शन कमीशन को एक ब्रीफिंग दी, जिसके बाद एक प्रेस रिलीज आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये कहा गया कि इसका हमें फायदा हुआ क्योंकि इसको जहन में रखते हुए हम जो इलेक्शंस की सिचुएशन है, जिस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शंस होंगे उसका हमें अंदाज़ा होगा। उसके बाद काबीना को ब्रीफिंग दी गई एजेंसीज की तरफ से, इदारों की तरफ से, कि सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है। उसके बाद हमने देखा ये सुना कि कल मीटिंग ऐसी हुई जिसमें कि तमाम जो हसास इदारे हैं वो उसमें मौजूद थे, और आईबीबी मौजूद थी, और मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं वो मौजूद थी, और आईजीज भी थे, और ये चीफ सेक्रेटरीज वगैरह भी थे प्रोविंसेस के। उसके बाद जो खबरें बाहर आई हैं उनके नतीजे में लगता ये है कि हसास इदारों ने मौजूदा हालात में इलेक्शन ना करवाने की तजवीज़ दे दी है। दूसरा ये कि सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट गुज़श्ता साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है, और फिर कि इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो की जानों को खतरा है, और फिर किसी एक जमात ने इंतखाबी नतायज ना माने तो नया तनाज़ा पैदा हो जाएगा। खैर इसका ताल्लुक सिक्योरिटी से तो नहीं है, लेकिन जो पहले 3 मामले थे उनका ताल्लुक सिक्योरिटी से। अली जफर साहब फिर अब फरमाइए आपके, अगर अगर इस तरह की बात सामने आ जाए, हालांकि हम देख रहे हैं, आप सुनिएगा ज़रा कि हुकूमत की तरफ से जो कहा जाए इलेक्शन होंगे, ये सुनिएगा। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो आज इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतरी है। इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। और नाजीन आज सुबह भी हमने देखा केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने भी कहा कि जी हालात इतने बिगाड़े मत, ये बच्चे की उस पर बात हुई जो मारे जाने पर, तो उन्होंने कहा कि ये कशीदगी ना पैदा करें, 30 अप्रैल को इलेक्शंस हैं, ये कुछ ही घंटे पहले इन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब ने, केटेकर चीफ मिनिस्टर ने। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, लेकिन जो अंदर खाने खबर है, और बहुत मरतबा हुकूमत के लोग ये भी कहते हैं जी हालात ऐसे नहीं कि इलेक्शंस हों, तो अली जफर साहब फिर बताइएगा आप ये मामले को आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये पोजीशन ले ली और इदारों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी ये जो आपके सामने बात है, व्हाट विल यू डू? देखें, सबसे पहले तो ज़रा क्लियर कर दूं मैं कि आईन में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है कि आप 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन को डिले करें। जी ये इलेक्शन की जो डेट अनाउंस हो गई है, इलेक्शन इसी दिन होने हैं। किसी किस्म की, चाहे पैसे हो ना हो, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो ना हो, ये आईन इस सारी चीज़ को देखते हुए फैसला करता है कि आप डिले नहीं कर सकते इन बहानों से इलेक्शन को। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चल रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की तरफ से भी और पीडीएम के कुछ वकला की तरफ से भी ये बहस हुई कि जनाब सिक्योरिटी थ्रेट है, इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, वगैरह वगैरह। तो अदालत ने कहा कि नहीं, ये हमें आईन में बताएं कि आईन में अगर ये बहाना बनाया जाए इस किस्म का, तो क्या आईन इजाज़त देता है कि इलेक्शन डिले होंगे। और ये एक यूनानिमस व्यू था, सबका मुतफक व्यू था कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अदालत ने जो फैसला किया उसमें आखिरी पैराग्राफ में ये वाजे कर दिया कि जो जितनी हुकूमतें हैं, फेडरल हुकूमत,
केयर टेकर हुकूमतें, जितनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने पैसे भी देने हैं, उन्होंने सिक्योरिटी भी फ्राहम करनी है, जो जो चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहता है वो उसको देगा। तो अब बेसिकली अगर कोई ऐसी बात करता है कि ये हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इसलिए हम इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, तो वो ना सिर्फ आईन की बल्कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा। और तीसरी चीज़ मैं आपको अपना व्यू बता दूँ कि अगर ये खुदा न खास्ता अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई और शख्सियत या कोई और इंस्टीट्यूशन या हुकूमत या केयर टेकर हुकूमत फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे इसको डिले करने की कोशिश करती है, तो फिर पंजाब और केपीके में आपको मैं बताऊं क्या होगा, तूफान आएगा, फिर तूफान आएगा और इतना बड़ा तूफान आएगा लोगों का कि फिर कोई चीज़ किसी किस्म की संभाली नहीं जाएगी। आपको पता है कि एक बार पाकिस्तान की तारीख में अगर आप देखें, और आप तो तारीख पढ़ती भी हैं बड़ी और आपको तो पता है, आप तारीख देखें तो याया खान ने असेंबली को डिक्लेयर किया था कि हम इलेक्शन करा के हम ये असेंबली इस दिन हम इसको बुलाएंगे, और उस वक्त तक ईस्ट पाकिस्तान में किसी किस्म का हंगामा नहीं था। और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं ये हम इनडेफिनेटली इसको डिले कर देते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ था आपको याद है कि उसके बाद तूफान आ गया था ईस्ट पाकिस्तान में। तो इस किस्म की सिचुएशन सोचना भी आईन में मेरा ख्याल है इजाज़त नहीं किसी किस्म की कि आप ये इस किस्म की सिचुएशन सोचें भी। हुआ अगर ये आपने करने दिया किसी को एक बार, अगर आपने इजाज़त दे दी कि सिक्योरिटी थ्रेट या पैसों की कमी की वजह से इलेक्शन को डिले कर सकते हैं, तो फिर हर बार इलेक्शन डिले होंगे, फिर 10-10 साल हुकूमतें बैठी रहेंगी इसी बहाने पे कि जनाब सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये मैं इस इशू में नहीं जाना चाहता। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मामला होता है जिसमें किसी जगह पे टेररिस्ट अटैक होता है, तो उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में आप डिले कर सकते हैं, और ये इलेक्शन एक्ट में 2017 में इस चीज़ की गुंजाइश पैदा की गई है कि खुदा न खास्ता एक स्पेसिफिक जगह है जहां पोलिंग नहीं हो सकती तो 3-4 दिन के लिए डिले किया जा सकता है। लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जनाब एक पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है इसलिए हम किसी किस्म का इलेक्शन नहीं करा सकते। अगर खुदा न खास्ता सिक्योरिटी थ्रेट ये है तो फिर हमें घरों से ना निकलने दें, फिर सारों को रोक दें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रोक दें, फॉरेन विजिट्स भी रोक दें, क्रिकेट की जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं उनको भी ख़त्म कर दें। देन फिर एक बड़ा सीरियस इशू है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है कि हम लोग अपनी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। इलेक्शन जो है वो जमहूरियत का एक सुतून है, उसके बगैर पूरी मैं तो कहता हूँ आईन ही नहीं है। अगर आपका इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आप आईन से निकाल दें और कहें कि इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी हम एक इंटरिम गवर्नमेंट या एक केयर टेकर गवर्नमेंट के जरिए हुकूमत चला सकते हैं, ये ऐसी गुंजाइश मुझे बिल्कुल नहीं नजर आती हमारे आईन में। अच्छा, तो आप ये आपने सब बात बड़ी तफसील में बयान कर दी, जो आपका मौकफ है, जो आप लोगों की पार्टी बार बार बयान करती है और आईन से भी वो मुनासिबत रखता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि साथ साथ पैरेलल ये भी हमें लग रहा है जो आप सुन रहे हैं स्टेटमेंट्स वगैरह, जो खबरें खुल के आ रही हैं सामने या बिहाइंड द सीन्स पता चल रहा है, कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, वो कह रहे हैं कि जी हर सूरत पे अगर किसी ने मुझे कोई हेजिटेशन दिखाई कि जी आप फंड्स नहीं दे रहे या आप लोग नहीं दे रहे, नफरी नहीं दे रहे, तो मैं आर्टिकल 220 इन्वोक कर दूंगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि मुझे मिले जो जो मेरी मेरा हक बनता है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी क्या कर रहे हैं कि यू विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी, जो पंजाब के हवाले से तो आपको लग रहा है कि वो नहीं मिल रहे जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं जो बनते हैं आरओज, उसके लिए तो मेरा ख्याल है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या केयर टेकर गवर्नमेंट ने तमाम डीसीज को आरओज का कह दिया कि वो होंगे इलेक्शन के लिए आरओज, उस पर भी शायद आप लोगों की कोई कंप्लेंट है। देखिए जी, अब ये तो खैर छोटी मोटी कंप्लेंट्स तो होती रहेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है, मैं इस वक्त बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि इस वक्त जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, और जो जितने मेंबरान हमारे इलेक्शन कमीशन के हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपना जो इख्तियारात हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के, उसको वो आगे चलाए। और मैं तो अपनी पार्टी को कहूँगा कि हमें इलेक्शन कमीशन के साथ होना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए इस मामले में पूरी तरह। अपने इख्तलाफात जो थे
हमारी माजी के वो अपनी जगह कायम है, वो अपनी जगह चलते रहे, लेकिन जहां तक इलेक्शन अब होने वाला है और जिम्मेदारी इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की है, मेरी नजर में अब हमें इनके साथ खड़ा होके इनके हाथ मजबूत करने चाहिए। और इसको मुझे जी जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इलेक्शन तो उनको वेलकम करना चाहिए हर वक्त और कहना चाहिए कि जनाब हम पॉलिटिकल पार्टी में तो मकसद ही लोगों के पास जाके उनसे वोट लेना है। तो वो जब मुझे नजर आ रहा है, मेरी अंदाजा है, मेरा शायद आपका अंदाजा कोई और हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि शायद उनको ये नजर आ रहा है कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी लोगों की पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए वोट करेगी। जी मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिकल पोजीशन तो ये है कि बिल्कुल हम नहीं भाग रहे, लेकिन टेक्निकल मामला जो उठाए जा रहे हैं उससे लग रहा है कि इलेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि सब लोग बार बार हुकूमत की तरफ से भी कह रहे हैं कि करेंगे इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आपने फरमाया कि जो इन द पास्ट डिफरेंसेस रहे, पीटीआई के डिफरेंसेस तो बहुत ही माइल्ड अल्फाज हैं, आपको मालूम है कि काफ़ी सख्त अल्फाज में बड़े बड़ी उन्होंने हद तक की है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जगह पे खड़ा और कह रहे हैं हम टाइम पर ही इलेक्शन करवाएंगे। अली जफर साहब हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं आने दिनों में क्या होता है, क्योंकि लग ये रहा है कि इलेक्शन का सवाल जो है वो सवाल ही है अभी तक, उस पर कोई हतमी चीज़ नज़र नहीं आ रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि कहा जा रहा है कि होंगे 30 अप्रैल को। हमारी तरफ से जितना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।